हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। शाम का टाइम है और हमारे इधर का वेदर देख लीजिए, थोड़ा सा क्लाउडी था और गर्मी बहुत ज़्यादा था। उमस वाली जो गर्मी होती है वो आज बहुत ज़्यादा था मॉर्निंग से ही। और मॉर्निंग में मैंने ग्रॉसरी शॉप में कुछ राशन का सामान जो भी है घर के लिए, किचन के लिए हमारे, तो वो मंथली जो आता है वो मैंने आज लिखवाया था, तो वो देखिए शाम तक आ चुका है। और यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ आज इसको सेट कर देती हूँ, क्योंकि अगर बोरी में पड़े पड़े रहेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को पता ही है, जैसे कि मेरे घर में स्पेस का प्रॉब्लम चलता है, तो इस वजह से सारे काम लगे हाथ करना होता है। तो चलिए फटाफट से सामानों को रखते हैं और उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्रॉसरीज का सामान रख करके मैं आ गई हूँ किचन में। और ये देखिए डिब्बे में मेरे कब से फ्लैक्स सीड्स पड़ा हुआ है, मीन्स ये है अलसी के बीज, जिसको लोग तीसी भी बोला करते हैं। तो इसको मैं आज फाइन पाउडर बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये पड़े पड़े ऐसे ख़राब ना हो जाए। तो मैंने सोचा चलो इसको भून भान के मैं इसको रेडी कर लेती हूँ, पाउडर बना लेती हूँ, ताकि मैं इसको कभी रेसिपी में अपना यूज कर पाऊँ। हालाँकि इसका रेसिपी तो बहुत ज़्यादा कुछ मुझे नहीं आता है, लेकिन जो कुछ भी आता है तो मैं कभी अगर बनाऊँ तो आप लोगों के साथ शायद शेयर भी करूँ। तो फिलहाल तो मैं इसका पाउडर बनाऊँगी, इसको मुझे भूनना है। और अलसी के बीज जो होते हैं कितने ज़्यादा फायदेमंद होते हैं ये सभी को पता ही है, ये बाल के लिए, बॉडी के लिए, और विशेष तौर पे महिलाओं को हार्मोन को बैलेंस में रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो मैं इसको तो ऐसे नहीं जाने दूंगी, इसको मैं पहले भूनूंगी, उसके बाद इसका पाउडर मैं रेडी कर लूँगी। फिलहाल मैं सारा काम मैं ख़त्म कर ली हूँ, ग्रॉसरीज का सामान मुझे रखना था तो वो मैंने रख लिया है और सीधे मैं आ गई हूँ किचन में। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पे बने रहेंगे और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे छोटे मोटे ब्लॉग्स जब कभी भी आए तो आप लोगों को मिलता रहे प्रॉपर। इधर मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है और ये फ्राई पैन मैंने रखा हुआ है, देखती हूँ मैं इसी में इसको भून लूँगी और इसको मैं पाउडर बना लूँगी। तो पहले देखती हूँ कि तवा थोड़ा गर्म हो जाए, फिर मैं डाल दूँगी। ये लीजिए दोस्तों, मैंने डाल दिया है और ये जब तक तड़कना स्टार्ट नहीं हो तब तक समझिए कि ये भुनाया नहीं है। जैसे ये तड़कना स्टार्ट हो जाएगा तो हमें समझ लेना है कि फ्लैक्स सीड्स जो हैं अच्छे से भुन गए हैं। तो इस तरीके से चलाते मैं रहूँगी और ये जब तक तड़कना स्टार्ट नहीं होता है मुझे ऐसे ही भुनना होगा। और ये देख लीजिए, मैंने स्टील का चमचा यूज़ किया है, क्योंकि वुडन का जो भी था मेरे पास वो सब ख़राब हो गए हैं, अब मुझे मंगाना होगा। तो फ्रेंड्स, आप नोटिस कर सकते हैं, मैं इस आवाज़ को फील कर सकते हैं, ये तड़कना जो है बंद हो चुका है। तो अब समझ लीजिए कि ये रेडी हो गया है भून के। अब मुझे उतार लेना है इसको और थोड़ा देर ठंडा करने के बाद फाइन पाउडर में रेडी करूँगी। फिलहाल हमारे यहाँ लाइट कटा हुआ है, लाइट जैसे ही आता है मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी बहुत अच्छे से। फाइन पाउडर बना करके रख लूँगी अपने किचन में, कभी भी मुझे ये काम आ सकता है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये भून के रेडी हो गया है और ये जैसे ही भुना इसका जो अपना खुद का कलर था वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, मीन्स ये थोड़ा सा ज़्यादा ही डार्क हो गया है भुनने के बाद। इसका कलर जो है बिल्कुल से डार्क हो गया है, पहले थोड़ा सा लाइट था लेकिन अब डार्क हो चुका है, ये देख लीजिए। और इसको भुनने का बस एक ही तरीका है, जब हम भुनेंगे तो ये थोड़ा सा तड़तड़ाना स्टार्ट होता है और जब ये भुन जाता है तो फिर इसका तड़कना जो है बंद हो जाता है। और अभी लाइट कटा हुआ है, लाइट जैसे ही आएगा मैं इसको पाउडर बना लूँगी। और या तो फिर आप पाउडर फॉर्म में खाइए, या पराठे में स्टफिंग करके खाइए, या पानी में घोल के खाइए, जैसे भी आपको मर्जी है। थोड़ा बहुत करके खाते रहने से इसको जो है ये हमें फ़ायदा पहुंचाता है, इतना मुझे पता है। तो फ्रेंड्स, हमारे इधर थोड़ा बहुत बूंदा बूंदी बारिश हुआ, उसके बाद अभी हवाएं चल रही हैं। और ये देखिए, मैं यहाँ पे दीप चला करके रखी हूँ, मतलब संध्या बत्ती करने के बाद दिया मैंने यहाँ पर लगा दिया था आज। तो अभी जैसे हवाएँ चल रही हैं तो ये देखिए दिया जो है मेरा बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देखने में, तो मैंने सोचा चलो इसको कैप्चर किया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, लाइट आ चुका है और ये अलसी का जो बीज है वो भी ठंडा हो गया है। तो मैं जल्दी से इसको मिक्सर ग्राइंडर में फाइन पाउडर बना करके रेडी कर लूँगी और जब भी मुझे यूज करना होगा तब मैं इसको अच्छे से यूज कर लूँगी। और इसको भूनते भूनते एक भीनी भीनी सी जो खुशबू आई मेरे किचन में, मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लगा इसका खुशबू। जब मैं भून रही थी इसको तवे पे तो बहुत अच्छा आया, देखती हूँ दो चार दाने चबा करके कैसे लगते हैं। वाह, सच में बहुत टेस्टी। अरे वाह, पता रहता तो मैं पहले भून लेती। कैसा लगेगा सब लोग बताना, नहीं बना कर बहुत अच्छा ना।
सोना 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 ऐसे खाने मजा लगेगा। पाउडर से अच्छा तवे के ऊपर रोटी बेलो ना, सोपर जैसे छोड़ दो बेल दो। यम्मी सच में दोस्तों, फ्लैक्स सीड्स का टेस्ट जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम ही खा रही हूँ, क्या बताऊँ। और ये मुझे कहीं से मिला था, मीन्स मेरी नेबर मुझे दी थी कि बना करके खाइए और बताइए, तो मैं उनको बताऊँगी। सच में बहुत अच्छा है। अगर आप वीडियो मेरी देख रही हैं तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। तो नेक्स्ट टाइम से मैं जब कभी भी मॉल वगैरह जाऊँगी तो उसको लेकर के आऊँगी। अब तो मुझे लग रहा है कि मैं इसका पाउडर भी नहीं बनाऊँ, ऐसा ही खा लूँ। तो दोस्तों ये देख लीजिए, फाइन पेस्ट मतलब फाइन पाउडर बनके रेडी हो गया है। और ये देखने में कुछ मड़ुए के आटा की तरह ये लग रहा है। तो चलिए मैं इसका एक आधो पराठा बनाऊंगी, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। इसको मैंने हाफ एंड हाफ में पीसा है, थोड़ा तो मैंने ऐसे ही रख लिया और थोड़ा सा इसका पाउडर बना लिया। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसमें क्या क्या ऐड करने जा रही हूँ तो वो आप लोग देख लीजिए। तो पहले मैं इसमें नींबू निचोड़ूंगी, फिर प्याज जाएगा और साथ में ग्रीन चिल्ली। फिर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। अब जाएगा इसमें थोड़ा सा सरसों ऑयल, क्योंकि ये सूखापन है इसमें, तो ऑयल से ये थोड़ा मॉइस्चर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने यहाँ पे नॉर्मल आटा लगा करके रखा हुआ है और इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, ना तो इसमें ऑयल है, ना तो इसमें नमक है, कुछ भी नहीं है। ऐसे भी मैं आटे में नमक ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चों को मेरा पसंद नहीं आता। अगर आपको पसंद हो तो आटे में थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिएगा, उससे टेस्ट जो है बढ़ जाएगा आटे का। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी से स्टफिंग करते हैं और फ्लैक्स सीड्स का पराठे रेडी करते हैं। दोस्तों ये देखिए, बिल्कुल नॉर्मल आटा है। ये लीजिए दोस्तों, सारे पेड़े जो हैं स्टफ होकर के रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको बेल लेती हूँ और ये बेलने में भी बहुत आसानी है, कोई फटने उटने का टेंशन ही नहीं है, आराम से आप इसको बेल सकते हैं। बहुत इजी वे में ये बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही यम्मी टेस्टी भी बनता है, बच्चे आराम से पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, सारे पराठे बनके हो गए हैं रेडी। और ये देख के थोड़ा सा आपको ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, वो ब्लैक सीड्स को पीसने के बाद थोड़ा सा वो डार्क कलर हो गया था, उसके वजह से ये थोड़ा सा ब्लैक नज़र आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये कलर चाहे आप उसको जैसे भी पीसो, इसका कलर ब्लैक आना ही आना है। तो चलिए अब इसको मैं सर्व कर देती हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं। और ये हेल्दी टेस्टी पराठा जो है बन के रेडी हो गया है। तो दोस्तों पराठे बनके हो गए थे रेडी, तो मैंने प्लेट में यहाँ सर्व कर दिया है और आप कुछ इस तरीके से पराठों को रेडी कर सकते हैं। और मैं इसका तारीफ में क्या बोलूँ, ये बहुत टेस्टी है और साथ में हेल्दी भी है। तो इस तरीके से आप बनाइए और बना करके खाइए और अपने बॉडी को फुल बैलेंस में रखिए। तो चलिए दोस्तों, अब अलसी के बीजों का क्या इस्तेमाल होता है और मैं इसके खातिर में, मैं इसकी खासियत में क्या ही बताऊँ, सभी लोगों को पता ही है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में आप लोगों से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिल यू ऑल, ले लो बेटा, खा लो।